देखिए 27, 28, 29 जी और 3 के पहले तो हो ही जाएगा जी। तो हमारा अनुमान है कि 27 भी हो सकता है, 28 हो सकता है, 29 हो सकता है। अब 3 के पहले ही भी हमारा टिकट काट दिया भाई। क्या पार्टी ने कोई लिस्ट निकाली है जिसमें हमारा नाम नहीं है? प्रत्याशी नहीं है अभी, हम प्रत्याशी तो है नहीं, लेकिन कैसरगंज विधानसभा लोकसभा के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की किसी से लड़ाई नहीं। 2,87,000 का अंतर पिछली बार था, इस बार कार्यकर्ताओं ने नारा दिया है 5,00,000। जय श्रीराम। वही है वही जो राम रथ राखा। अब अगर ईश्वर ने तय कर रखा है तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन हम तो प्रबल दावेदार हैं, हम प्रबल दावेदार हैं, तो हम तो 99.9 तक लड़ेंगे। अभी 1 दशमलव बाकी रहेगा। परसों से नॉमिनेशन है। एक कारण मैंने बताया कि देखिए जब से अभी कुछ दिन पहले भी मुझको खुद लोग जानते थे कि गोंडा से सांसद, और जब कैसरगंज का टिकट विलंब हुआ तो लोगों को पता चला कि कैसरगंज से नेताजी सांसद। तो कैसरगंज का इतना नाम हो गया, हमारा भी नाम हो गया कैसरगंज, मतदाताओं का नाम हो गया कैसरगंज का नाम हो गया, और विश्वास करिए देश ही नहीं इंटरनेशनल स्तर पर इस समय कैसरगंज की चर्चा। तो ये धमक आगे भी कायम रहेगी, ये कैसरगंज की चर्चा इंटरनेशनल भी है, देश के बाहर भी जो भारतीय बैठा है वो कैसरगंज की चर्चा कर रहा है। सांसद जी अभी आपने कहा कि 27 को टिकट का इंतजार किया जाएगा, उसके बाद आगे की तैयारी की जाएगी। अब देखिए 27, 28, 29 जी, हाँ 3 के पहले तो हो ही जाएगा जी। तो हमारा अनुमान है कि 27 भी हो सकता है, 28 हो सकता है, 29 हो सकता है, अब 3 के पहले तो होना ही है। सांसद जी क्या योजना बनाकर चल रहे हैं? सांसद जी क्या लग रही है कि अभी टिकट फाइनल नहीं हो रहा है? वजह कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी मुतमैन है एकदम, कैसरगंज को मानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सीट है, 1 घंटा पहले भी टिकट देंगे तो वहां के मतदाता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर भेज देंगे, वो निश्चिंत है, उन्होंने जोड़ रखा है कैसरगंज मोदी जी के पास। सांसद जी और क्या आपकी मेहनत पार्टी को नहीं दिख रही है? अरे यार ऐसी बात आप कर रहे हैं, कहां पार्टी ने हमारा टिकट काट दिया भाई? क्या पार्टी ने कोई लिस्ट निकाली है जिसमें हमारा नाम नहीं है? आप लोग का इतना परेशान है? परेशान हम लोग, विपक्ष भी तो नहीं दे रहा है कोई प्रत्याशी, पार्टी का ये कॉन्फिडेंस। विपक्ष नहीं दे रहा है इसलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही। 400 में कैसरगंज का नाम जुड़ चुका है, अब कैसरगंज के लिए मोदी जी को विचार करने की आवश्यकता नहीं है, हम उनसे कहना चाहते हैं 1 की शुरुआत ही कैसरगंज से करें। बोले भारत माता की। क्या लगता है जब राहुल गांधी अमेठी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली, तो क्या लगता है आपको कि इस पूर्वांचल पे भी इसका असर पड़ेगा क्या? देखिए उनका यहाँ पर कोई असर नहीं, उनका प्रियंका जी का और राहुल जी का हमारे इस पूर्वांचल पर कोई असर नहीं है। उनका असर जो होगा अमेठी में होगा, जो असर होगा रायबरेली में होगा, वो भी उनको पता चल जाएगा, लेकिन मेरे इस क्षेत्र में उनका कोई असर नहीं। अब आप कह सकते हो कि जो उनका असर समाप्त हो चुका है तो वो उसी असर को दिखाने के लिए फिर से आना चाहते हैं कि नहीं अभी हमारा असर शेष है, बाकी उत्तर प्रदेश में उनका कोई असर। सांसद जी जिस तरीके से आपने बीते महीनों में प्रियंका गांधी को, प्रियंका वाड्रा को चैलेंज किया था कि कैसरगंज से आकर चुनाव लड़ने, फिर चैलेंज करते हैं, संदर्भ था और उस संदर्भ में मैंने कहा था, अब आज भी आ जाए तो स्वागत है, दिक्कत थोड़ा है। हाँ तो ये विलंब क्यों, इसके पीछे कोई कारण है? और कोई बहुत अच्छा कारण है, कैसरगंज के लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, अचानक मिलेगी, यानी जो समझ रहे हैं वही चीज सही है ना, अचानक कोई बहुत बढ़िया चीज मिलेगी, पूरा क्षेत्र खुश हो जाएगा एकदम। तो जिस तरीके से समर्थक है इसके मतलब ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के अगले कैंडिडेट बृजभूषण शरण सिंह होंगे? अब ये तो हमारा निर्णय, मतलब आपके कार्यकर्ताओं को खुशखबरी मिलने वाली है? हमारे कार्यकर्ताओं को खुशखबरी कोई बहुत बड़ी मिलने वाली है।